आज हम लोग मिरर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ये रे ऑप्टिक्स का दूसरा क्लास है ना, ठीक। पहला क्लास इसका इंट्रोडक्शन था। आज हम लोग किसके बारे में, मिरर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। क्या होता है मिरर, इसको समझते हैं जरा सा। जैसे अगर हमारे पास ये कोई एक कांच का टुकड़ा है, ये क्या है, एक कांच का टुकड़ा है, ठीक है। ये कांच का टुकड़ा है, इस कांच के टुकड़े को अगर हम लोग, ये कांच का टुकड़ा, ठीक है, अभी कुछ नहीं है, सिंपल है, तो लाइट अगर जो आएगा तो इसमें तो आर पार चला जाएगा लाइट, इस तरीके का है ये, पारदर्शी है बिल्कुल, ये कांच का टुकड़ा मेरा बिल्कुल पारदर्शी है, यानी कि ट्रांसपेरेंट है, ठीक। अब अगर इसी कांच के टुकड़े का हम लोग पीछे वाला, ये कोई भी एक हिस्सा, दोनों सरफेस में से कोई भी एक हिस्सा मान लिया जाए, इस सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, इस सरफेस को क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, सिल्वर का कोट चढ़ा देते हैं इस पर, सिल्वर का कोट चढ़ा दिए उस पर, फिर क्या, पेंट वगैरह भी चढ़ाया रहता है, मिरर वगैरह को तोड़ करके उसके पीछे को खुरचने का काम हो सकता है, कुछ लोगों ने किया होगा आप लोगों में से बचपन में, क्या मैंने तो किया था, क्या, ठीक है। तो ये जो मिरर है कैसा है, ये तो एक कांच लिए, कांच का जो दो सरफेस है, दोनों सरफेस में से एक सरफेस को क्या किए, सिल्वर कर दिए हैं और उसके ऊपर पेंट उंट कर दिए हैं, ताकि ऐसा कर देने से क्या हो कि जब लाइट आए यहाँ पर तो टकरा कर लाइट उस तरफ ना निकले, बल्कि लाइट आए और टकराने के बाद क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। हमने क्या किया है, इस कांच के टुकड़े का एक फेस को क्या किया, सिल्वर्ड कर दिया, उससे ये वाला जो फेस है मेरा ये पूरी तरीके से क्या हो गया, अपेक हो गया, यानी कि अपारदर्शी हो गया, ठीक है। जिसके वजह से ये हुआ कि अगर कोई लाइट अगर कहीं से आता है तो इस पर टकराने के बाद आर पार नहीं जाएगा, बल्कि टकरा के क्या होगा, वापस लौट जाएगा। तो मिरर क्या हुआ, मिरर एक तरह का डिवाइस है या एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, जो कि कैसे बनता है, एक कांच के टुकड़े को, अगर कांच के टुकड़े का जो दो सरफेस है, उन दो सरफेस में से अगर एक सरफेस को, किसी भी एक सरफेस को हम लोग सिल्वर्ड कर दे, यानी कि अपेक बना दे, अपारदर्शी बना दे, तो जो बचा हुआ दूसरा सरफेस है ये अपने पास, अपने ऊपर आने वाले रे को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। यही डिवाइस मेरा क्या कहलाएगा, मिरर कहलाएगा, और इसमें हम लोग अपना चेहरा रोज रोज बार बार देख सकेंगे ना, ठीक है। तो इसी मिरर को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। हाँ, तो मिरर के बारे में क्या लिख लिए हम लोग, मिरर के बारे में क्या लिखे कि इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस, ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है, ऑप्टिकल डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, इन विच, जिसमें कि वन ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ ग्लास, वन ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ ग्लास, यानी कि ग्लास के दोनों सरफेस में से ऑफ द ग्लास इज सिल्वर्ड, वन ऑफ द टू सरफेस ऑफ ग्लास इज क्या, सिल्वर्ड, दोनों सरफेस में से एक सरफेस को क्या किया जाता है, सिल्वर्ड कर दिया जाता है, यानी कि मैड अपेक, यानी कि अपारदर्शी बना दिया जाता है, ठीक है। सो दैट अदर रिमेनिंग सरफेस, एक को अपेक बना दिए, ताकि जो क्या हो, जो दूसरा बचा हुआ सरफेस है, सो दैट अदर रिमेनिंग सरफेस कैन रिफ्लेक्ट द इंसिडेंट रे, ये वाला जो सरफेस है इंसिडेंट रे को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके, ठीक है। वही मेरा क्या कहलाता है, मिरर कहलाता है। और हम लोग सब जानते हैं कि मिरर जो है वो कितने तरीके का होता है, नहीं जानते तो जान लेंगे, मिरर जो है वो क्या है, तीन तरीके का होता है, टाइप्स ऑफ मिरर। पहला प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर, तीसरा है पाराबोलिक मिरर। सबसे पहली बात, पाराबोलिक मिरर हम लोग को पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ग्रेजुएशन का चीज़ है वो नहीं पढ़ना है हम लोग को, पढ़ना है सिर्फ क्या, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो ठीक है, वो प्लेन वाला सिंपल सा जो सबके घर में है, जिसको बार बार सब लोग देखते रहते हैं सुबह शाम, ठीक है, प्लेन मिरर तो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। स्फेरिकल मिरर जो है, स्फेरिकल मिरर जो है, इसी के अंदर छिपा हुआ है वही मिरर जो, जिसका नाम आपके दिमाग में अभी चल रहा है, ये कौन सा, कॉनकेव और दूसरा क्या, कॉनवैक्स, कॉनकेव मिरर, अच्छा कॉनवैक्स मिरर, ठीक है। क्या है कि प्लेन मिरर तो ठीक है, ये अपने जगह पे है, स्फेरिकल मिरर जो है, स्फेरिकल मिरर, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। स्फेरिकल मिरर का दो टाइप है,
कौन कौन सा टाइप है? एक तो होता है कॉनकेव मिरर, और इसी स्फेरिकल मिरर का टाइप होता है कौन सा? कॉनवैक्स मिरर। ठीक है, बाकी ये अलग है, ये अलग है। पैराबोलिक तो हम लोग को पढ़ना ही नहीं है। पैराबोलिक मिरर वैसे होता क्या है, इसको शॉर्ट में बतला देते हैं क्या चीज है, फिर हम लोग आगे निकल जाते हैं, प्लेन मिरर से स्टार्ट करते हैं। पैराबोलिक मिरर हुआ जैसे कि शादी उदी में कहीं देखा होगा सभी लोगों ने, जैसे कि ये जो वेपर लाइट होता है ना, वेपर लाइट में ऐसे करके ये हेलोजन होता है ना, जिसमें कि बल्ब चल रहा होता है, और ये पीछे में इस तरीके से ये मेरा जो ये वाइट ये जो फेस दिख रहा है, ये वाला चीज़ ये यहीं पे एक तरीके का ऐसे करके ये लगा रहता है, ये शीशा जैसा रहता है, ये भी बहुत चमकता है। क्या होता है कि ये यहाँ से तो लाइट ऐसे भेज देगा सामने, लेकिन जो भी रेज ऐसे पीछे जाएगा ना इस बल्ब में, जो भी रेज क्या होगा पीछे आएगा, वो पीछे वाला रेज जो है रे इससे टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के सामने आएगा, सामने फेस पे पड़ेगा। बल्ब वगैरह के गाड़ी वगैरह का जो हेडलाइट वगैरह होता है, वो भी हेडलाइट इतना बड़ा सा दिखता होगा, तो इतना बड़ा सा जो दिख रहा है तो वो टोटल उतना बड़ा बॉल नहीं होता है, बल्कि बॉल उसमें छोटा सा ही लगा रहता है ना, उसी के पीछे में भी इस तरीके का वाइट टाइप का कुछ, ये चीज़ देखा होगा सभी लोगों ने, इस तरीके का है, यहाँ पे बॉल रहता है लेकिन ये पीछे का हिस्सा भी वाइट सा जो रहता है ना, वो कर्व टाइप का मिरर जैसा ही रहता है, वही है मेरा क्या, पैराबोलिक मिरर। हम लोग को खैर ये सिलेबस में है नहीं, तो उतना डिस्कशन करने का खैर कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अब प्लेन मिरर के बारे में, फिर स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग अब अपना इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं, किसकी ओर लेकर चलते हैं, प्लेन मिरर की ओर। तो सबसे पहले अब हेडिंग दिया जाए प्लेन मिरर, इसको फटाफट से लिख लेना है, लिख लेना है इसको, और उसके बाद हेडिंग देना है फटाफट से क्या, प्लेन मिरर। अब हम लोग प्लेन मिरर पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर है इसको तो सभी लोग पहचान ही रहे हैं हम लोग ना, क्या होता है कैसा होता है ये प्लेन मिरर जरा देखा जाए ना, ये एक जैसे कांच का टुकड़ा है ना, तो इसको क्या किया है पीछे से इस तरीके से ऐसे, इसका मतलब हम लोग ऐसे इस तरीके से सिल्वर्ड कर रहे हैं ना, पीछे से क्या किए हैं सिल्वर्ड कर दिए। इसमें अगर हमको चेहरा देखना होगा तो हम किधर खड़ा होंगे, लेफ्ट साइड की राइट साइड, लेफ्ट साइड ना, यहाँ खड़ा होंगे, यानी कि ऐसे मिरर ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो पीछे का पोर्शन हो गया, ठीक, और यहाँ जो है ये मेरा क्या है सामने वाला हिस्सा हो गया, यहाँ पर हमको चेहरा अपना देखना है। ठीक है, तो देखा जाए जरा, ये तो है प्लेन मिरर, इस पे इसका जो एकदम बीच सेंटर लिया जाए, बीच से एकदम, या फिर कहीं भी इस तरीके से ऐसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम ऐसे बीच से एक ऐसे डॉटेड लाइन बना लिए, ये क्या किए हैं डॉटेड लाइन बना लिए, ये सिंबल क्या चीज़ का, ऐसे 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 जो किए हैं ये बतला रहा है कि इस तरफ क्या है सिल्वर्ड है, इस तरफ से हमको नहीं चेहरा दिखेगा, हमको इसके ठीक इस तरफ यहाँ से हमको क्या होगा चेहरा दिखेगा, ये उसका मतलब होता है। एक बीच से हम लोग परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लिए हैं, ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगा ये परपेंडिकुलर लाइन मेरा कहलाएगा, जान रहे हैं हम लोग क्या नाम है इसका, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या चीज़ है प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है ना, ये लाइन मेरा क्या कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ठीक, ये तो प्लेन मिरर है अपना, ये लाइन क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक, इसमें एक चीज़ देखा जाए, ये जो सेंटर है यहाँ पर, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये मिरर को परपेंडिकुलरली यहाँ पे जहाँ पे ये जो कट कर रहा है ये वाला जो पॉइंट है, ये बीच वाला जो लाइन है एकदम सेंटर से मिरर के कहाँ से एकदम सेंटर से, यहाँ ये वाले सेंटर को मिरर का एकदम बीच वाला हिस्सा को, इस हिस्सा का नाम क्या होता है वो पता है किसी को, इसको कहते हैं पोल, इसको क्या कहते हैं पोल कहते हैं, मिरर के बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं एकदम सेंटर को पोल कहते हैं। ठीक, अच्छा एक बात और, जैसे यहाँ पे अगर कोई रे अगर ऐसे इस तरीके से आया मिरर के ऊपर, अगर कोई रे इस तरीके से आएगा और टकराएगा, ठीक है, तो टकरा करके क्या होगा, ये तो सीधा ऐसे घूम जाएगा, नहीं ऐसे टकराएगा तो सीधा ऐसे आएगा, एकदम सीधा सीधी जैसे जाता है टकरा के उतना ही एंगल बना करके आता है, ये सब तो खैर जानते हैं हम लोग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे अगले क्लास में बात करेंगे। ये जो लाइट है मेरा ये क्या है, ये लाइट है मेरा इंसिडेंट रे कहलाता है ना, ये रे मेला क्या कहलाएगा इंसिडेंट रे, ये टकराने के बाद आएगा ऐसे रिटर्न और आकर के प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे ऐसे कट करेगा ना,
ये जो रे टकरा करके जो रिफ्लेक्ट हुआ, टकरा करके क्या लौटा, इस लौटने वाले रे का नाम क्या होगा, इस वाले रे का नाम क्या है, सभी जानते हैं, रिफ्लेक्टेड रे ना, इस वाले रे का नाम क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे। और जो रे आया उसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे ना, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे, ये मेरा इंसिडेंट रे, ठीक। ये तो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर है, वो उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो ये सब चीज़ है प्लेन मिरर के बारे में, हमको छोटा सा चीज पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़, ये जो रे आया टकराया, टकरा कैसे तो लौटा, तो इंसिडेंट रे जहाँ पर मिरर को टच करता है, जहाँ पर मिरर को क्या करता है, इंसिडेंट रे टच करता, टकराता है, वहाँ पर अगर मिरर के ऊपर एकदम सीधा ऐसे परपेंडिकुलर डाले, ऐसे परपेंडिकुलर खींचे, ये क्या किए हैं, परपेंडिकुलर डाले हैं कि नहीं, इस मिरर पर क्या है, एक परपेंडिकुलर डाले हैं, कहाँ पर डाले हैं, जहाँ बनता है नहीं, कहाँ पर, ये जहाँ इंसिडेंट रे टकराया और वहाँ से ऐसे हुआ, इसी पॉइंट पर यहाँ पर ये डाले, ये मेरा क्या है, एक तरीके का परपेंडिकुलर है ना, मिरर के ऊपर क्या है, एक तरीके से परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं। अच्छा, परपेंडिकुलर का दूसरा नाम क्या होता है, नॉर्मल, नहीं, अच्छा, यही, ये वाला जो डॉटेड लाइन है, इस डॉटेड लाइन को क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉर्मल, यानी जो परपेंडिकुलर ऐसे डॉटेड लाइन बनाए हैं उसको हम लोग नॉर्मल कहते हैं, ठीक। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि अगर इस मिरर में, प्लेन मिरर में अगर कोई रे एकदम ऐसे सीधा आता, अच्छा ऐसे सीधा आता, सीधा ऐसे टकराएगा, तो जो सीधा टकराएगा वो रे तो एकदम सीधा ही वापस चला जाएगा, नहीं, जैसे सीधा टकराएगा वैसे ही क्या होगा, सीधा वापस चला जाएगा ना, और डिस्कशन करेंगे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में अगले क्लास में। खैर, तो यहाँ पर ऐसे जो सीधा टकराएगा वो सीधा ऐसे टकरा करके क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा। अच्छा, कभी कभी एक बात सवाल दिमाग में उठता है कि इस प्लेन मिरर का अगर कोई पूछे कि फोकस, या ये पूछे कि फोकस कहाँ होगा इसका, या ये पूछे कि इस प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना है, प्लेन मिरर का क्या चीज़, फोकल लेंथ कितना है, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है, ठीक है, इस पर बात करते हैं हम लोग। ये मेरा एक स्टूडेंट था पढ़ाते समय, एक नाम था उसका कामरान, ठीक है, उसने एक सवाल पूछा था मेरे से, तो वही हमको याद आ गया अचानक। तो देखा जाए, ये जो प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, पहले जान लिया जाए कि फोकस होता क्या है। अगर कोई भी रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रे आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे आता है, वो टकराने के बाद, मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पर भी कट करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पर भी कट करेगा, वही मेरा कहलाता है फोकस ना। और इस पोल से उस फोकस के बीच का जो लेंथ है उसी को फोकल लेंथ कहते हैं। फिर से, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आ रहा है तो वो टकरा करके जहाँ पर कट कर देगा प्रिंसिपल एक्सिस को, वो मेरा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखा जाए तो ये रे ऐसे करके आया, आ करके इस पर खड़ा, जो सीधा आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आता है तो इससे टकराने के बाद वो तो सीधा रिबाउंस हो जाएगा। कोई रे अगर ऐसे आया परपेंडिकुलर, इस मिरर पे परपेंडिकुलर, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या, पैरेलल, तो वो रे यहाँ पर क्या होगा, टकराएगा, टकरा करके सीधा क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। कभी कभी टॉर्च अगर हम लोग जला दे ऐसे मिरर पे, मिरर के ऊपर में, तो क्या होता है, देखते हैं क्या कि लाइट वहाँ से गया, टकरा करके हमारे आँख पर ही पड़ गया ना, तो पैरेलल रे अगर भेजेंगे तो टकरा करके सीधा ऐसे ही आ जाएगा। तो जो पैरेलल रे आएगा यहाँ से टकराएगा, टकरा करके क्या होगा, सीधा ऐसे ही चला जाएगा, सीधा ऐसे ही चला जाएगा। तो आने के बाद जो टकराया, टकरा कर जब रिफ्लेक्ट हुआ, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वाला जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसको कहाँ पर कट करेगा, सोचा जाए कहाँ पर कट करेगा, तो ऐसे ही बहुत दूर तक जाते जाएंगे, ये दोनों लाइन तो पैरेलल हो जाएगा ना, टकरा के लौटा, ये रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों मेरा अनंत तक, इन्फाइनाइट तक क्या होगा, पैरेलल जाएगा। तो दो पैरेलल लाइन कब मिलता है, हो सकता है इन्फाइनाइट पर जा करके कहीं पर मिलने जैसा हमको प्रतीत होगा, मिलने जैसा दिखेगा, तो जहाँ, तो हम क्या कहेंगे, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर के लाइट कहाँ मिलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ टच करेगा, क्योंकि पैरेलल ही गया है,
ऐसे ही, तो कहाँ पे टच करेगा? इन्फानाइट पे। याद रखना है दो पैरेलल लाइन, अगर उसको ड्रॉ करते जाए तो कहाँ पे टच करता है वो? इन्फानाइट पे। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो फोकस होगा वो कहाँ पर होगा? इन्फानाइट पर होगा। इसका अगर फोकल लेंथ पूछा जाए, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ पूछा जाए, तो प्लेन मिरर का फोकल लेंथ होगा कितना? इन्फानाइट। इस भी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ये बहुत खास पॉइंट हो गया कि फोकस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फानाइट। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज क्या? इन्फानाइट। क्योंकि जो पैरेलल इंसिडेंट रे होगा वो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को ऐसे तो कट करेगा नहीं, टकरा के लौटेगा, और वो रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस दोनों पैरेलल हो गया, तो इसलिए कहेंगे कि इन्फानाइट पे जाकर के कहीं टच कर रहा है। तो फोकल लेंथ मेरा कितना हो जाएगा? इन्फानाइट हो जाएगा। फोकस इन्फानाइट पर होगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग प्लेन मिरर के बाद बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर का दो टाइप है, कनकेव और कन्वेक्स, दोनों को डील करेंगे अभी। इसको यहाँ तक लिख लेना है। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर पर आते हैं। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट है कनकेव और कन्वेक्स। मेनली हम लोग को कनकेव और कन्वेक्स को ही डील करना है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में हम लोग किसको किसको डील करेंगे? सबसे पहले डील करेंगे, इसका दो पार्ट है कनकेव और कन्वेक्स। तो सबसे पहले हम लोग इसका ही पार्ट है जो कॉनकेव मिरर, उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कनकेव मिरर को। तो देखा जाए जरा सा, सबसे पहले समझते हैं कि कनकेव मिरर बना कैसे है स्फेरिकल मदद के मदद, स्फेरिकल मिरर के मदद से। देखा जाए, जैसे कि अगर मान ला जाए ये कोई एक गोला है, कांच का एक गोला, जैसे फुटबॉल होता है ना पूरा गोल, उसी तरीके से ये गोल स्फीयर है। कांच का क्या है? गोला है। कांच का फुटबॉल है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब क्या चीज कि ये तो पूरा का पूरा स्फीयर मेरा कांच का बना हुआ था, हम लोग यहाँ पर खड़ा होंगे तो भी हमको यहाँ चेहरा दिखेगा, यहाँ खड़ा होंगे तब भी हमको चेहरा दिखेगा, यहाँ खड़ा होंगे तब भी हमको चेहरा दिखेगा। ये फुटबॉल की तरह पूरा गोल है, अंदर से खोखला है, ठीक ठीक है। अब एक चीज़ देखा जाए, इसका कुछ न कुछ यहाँ पर ये तो सेंटर होगा, ठीक है। अच्छा, सेंटर होगा तो जाहिर सी बात है इसका कुछ न कुछ क्या रेडियस भी तो होगा। यहाँ से यहाँ तक रेडियस क्या है? आर। यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस क्या है? आर होगा, ठीक है, होने दिया जाए। बात करते हैं हम लोग, ये पूरा का पूरा क्या है? कांच का बना हुआ है। यहाँ भी खड़ा होंगे तो चेहरा दिखेगा, कहीं भी खड़ा होंगे तो हमको क्या होगा? चेहरा दिखेगा, सामने में इस फेस पे चेहरा दिखेगा, चलिए जाए, ठीक। अब ये बंद है। अब अगर हम लोग इसको इस तरीके से ऐसे बीच से ऐसे क्या करें? काट दें। बीच से क्या करें? काट दें। तो बीच से काट करके अगर हम इतना सा पोर्शन को क्या करें? हटा दें, ठीक है। इतना सा पोर्शन को क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। इसी हटाया पर अब जितना पोर्शन दिख रहा है आप लोग को बोर्ड पर, सिर्फ उतने ही पर ध्यान देना है, वो मेरा कहलाएगा कनकेव मिरर। वो मेरा क्या है? क्या कहलाएगा? कनकेव मिरर कहलाएगा, ठीक है। जैसे यही हिस्सा था ना, क्या इसमें क्या हुआ? हम लोग इसी स्फेरिकल जो मिरर था, इस स्फेरिकल मिरर का ये वाला हिस्सा को क्या किए? हटा दिए। यही मेरा क्या कहला गया? अब कनकेव मिरर कहलाया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा क्या है? आर, रेडियस होगा। अच्छा, ठीक 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 आगे बात करते हैं। इस कनकेव मिरर का एक खासियत ये है कि हमको अगर केव मतलब क्या होता है? गुफा, ये ना ऐसे है ना, ऐसे यहाँ पर हमको चेहरा देखना है, हमको चेहरा यहाँ पर दिखेगा, हम लोग को यहाँ खड़ा रहना होगा। इसका मतलब पीछे का जो हिस्सा है वो कैसा होना चाहिए? सिल्वर्ड होना चाहिए। नहीं, ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या करना होगा? हमको सिल्वर्ड करना होगा। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बार बार भूल जाते हैं कनकेव कौन है और कन्वेक्स कौन है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना है, केव मतलब होता है गुफा, तो ये गुफा की तरह जो होगा जहाँ पर हमको चेहरा देखना है वो गुफा की तरह अंदर होगा, उसी को कनकेव कहते हैं।
यहाँ पर ये जो सेंटर है, इस सेंटर को तो हम लोग फिर से क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो लाइन है मेरा, ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा ठीक, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा क्या कहलाएगा, रेडियस ना। क्या चीज़ का रेडियस, ये जो आर है ना, इस आर को हम लोग कहते हैं, ये जो आर है, इस आर का नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये जो आर है यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है, इसको कहेंगे, सभी जान रहे होंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। टेंथ तक ये सब पढ़ा हुआ था, नहीं, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकस, ये सब चीज़ सब पता है, ठीक है, सब हम सिखाएंगे फिर भी। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये मेरा क्या है, रेडियस है, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है क्या एक्चुअल में, ये जो कनकेव मिरर है, ये जिस स्फेरिकल कनकेव मिरर, जिस स्फेरिकल मिरर का टुकड़ा है, जिस स्फेरिकल मिरर का क्या है, टुकड़ा है, ये छोटा सा टुकड़ा है ना स्फेरिकल मिरर का, स्फेरिकल मिरर तो पूरा गोल होता है, जिस स्फेरिकल मिरर का ये टुकड़ा है कनकेव मिरर, उसका जो रेडियस होगा ना, उसी स्फेरिकल मिरर का जो क्या होगा, रेडियस होगा, ओरिजिनल स्फेरिकल मिरर का जो रेडियस होगा, उसी रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सिंपल, कनकेव मिरर की मिरर जो है, जिस स्फेरिकल मिरर का टुकड़ा है, मिरर का टुकड़ा है, उसका रेडियस, उस स्फेरिकल मिरर का रेडियस को ही हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या डेफिनेशन है, फोकस का क्या डेफिनेशन है, ये सब उतना कोई काम का नहीं होता है, खैर ठीक है, फिर भी हम लोग उसको भी लिख लेंगे अभी लास्ट में। तो देखा जाए, ये तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा क्या है, पोल है, ठीक। इसमें अगर कोई रे अगर आ रहा है ऐसे, तो आएगा ये ऐसे टकराकड़ ऐसे जाएगा ना। अच्छा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई भी रे पैरेलल आता है, अगर कोई भी रे मेरा ऐसे पैरेलल आ रहा है, तो ये पैरेलल रे मिरर से टकराने के बाद जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर देगा, हम लोग जानते हैं, थोड़ा देर पहले बात किए कि कोई पैरेलल रे मिरर से टकराने के बाद जहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर देगा रिफ्लेक्ट होकर आने के बाद, वहीं पर मेरा क्या हो जाएगा, वहीं पर मेरा क्या हो जाएगा, फोकस। तो ये आया, आके टकराएगा, नहीं ऐसे दिखने से ही लग रहा है कि ऐसे मारेंगे तीर, तो ऐसे थोड़े कि इधर चला जाएगा, यहाँ से मारेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे ही आएगा ना, अच्छे से रिफ्लेक्ट होगा ना, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा ना। तो ये इंसिडेंट रे और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये पैरेलल एक्सिस के, ये सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे है ना, ये टकराने के बाद जहाँ कट करता वहीं पर मेरा क्या बनता है, फोकस। एफ का मतलब ये क्या है, फोकस। एफ का मतलब क्या है, फोकस, ठीक है, फोकस। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टर रे। एक बात और खास है, ये छोटा सा चीज़ ध्यान रखना है कि किसी भी मिरर के लिए, प्लेन मिरर के लिए भी ये काम करता है, लागू होता है, कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इस प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे आता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के जो क्या आता है, पैरेलल आता है ये रे, ये पैरेलल जो रे है प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है, उस रे को हम लोग एक नाम से जानते हैं, पैरा एक्सियल रेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पैरा एक्सियल रेज के नाम से जानते हैं। कोई भी रे, इंसिडेंट रे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा हो, तो उस पैरेलल इनकमिंग रे को, पैरेलल इंसिडेंट रे को, इसके पैरेलल इंसिडेंट रे को हम लोग पैराक्सियल रेस के नाम से जानते हैं। खैर, बस नाम से जानना है और कोई काम का नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, पैराक्सियल रेस हो गया, फोकस के बारे में बात की, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात की, इन सब को अभी हम लोग डिफाइन कर देंगे कन्वेक्स मिरर पढ़ने के जस्ट बाद, ठीक है, उसको भी नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा ऐसे इस तरीके का हो गया। तो इनफाइनाइट से आ रहा है ना कोई रे पैरेलल, आकर के यहाँ फोकस पे टकराएगा, जहाँ पर भी टकराएगा रिफ्लेक्ट होकर के, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। ये पैराक्सियल रेज है, इसका रेडियस ही हमारा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक। अब ये तो कनकेव मिरर है, इसको समझ गए हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कन्वेक्स
मिरर पे आते हैं। तो इसको फटाफट से वहाँ से यहाँ तक इसको लिख लेना, वहाँ से यहाँ तक इसको क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, ये चीज़ बनाने की कोई वैसे खास ज़रूरत नहीं थी, तो इसको वहाँ से यहाँ तक लिख लेना। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर पर आते हैं। अब हम लोग कन्वेक्स मिरर पर बात करने वाले हैं। ठीक है, देखा जाए ज़रा, ये सेम टू सेम ऐसा ही गोल, ये मेरा क्या है, स्फेरिकल मिरर है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर है, इसी का रेडियस ये क्या है, आर है दोनों तरफ। अगर इसी का एक टुकड़ा हम लोग ऐसा ले लें, ऐसा इस तरीके से, और इधर वाले पोर्शन को क्या कर दे, सिल्वर कर दे, तो हम लोग को क्या होगा, चेहरा कहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ पर ना, यहाँ पर खड़ा होना होगा। खड़ा होंगे तो हमको चेहरा दिखेगा। तो जो कन्वेक्स कन्वेक्स बाहर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, तो ये कन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है, इसमें रिफ्लेक्टिंग फेस जो है उठा हुआ होता है, हमको इधर से देखना होता है। ठीक है, ऐसे करके देखना होगा। चम्मच है ना, चम्मच से हम लोग देख सकते हैं, चम्मच का जो पीछे वाला हिस्सा है वो कन्वेक्स है, और चम्मच का जो सामने वाला हिस्सा है जहाँ पर से हम लोग खाते हैं, जहाँ से उठाते हैं, तो वो वाला मेरा क्या है, कॉनकेव है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ऐसे मेरा ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, इस पर बात करते हैं। अच्छा, ये वाला पोर्शन को इस तरीके से क्या किए हैं, ये सिल्वर्ड कर दिए। अच्छा, बीच से ये कौन सा लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर ये क्या होगा, पोल होगा। अच्छा, इसमें अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस मेरा पीछे है ना, तो इसका जो रेडियस होगा उसका तो सेंटर मेरा किधर होगा, इधर कहीं पीछे में, तो मिरर के पीछे इसका सेंटर होता है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा पिछले में बताना भूल गए कि जो जो सेंटर होता है ना, ये सेंटर, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस है मेरा क्या, जैसे यहाँ से यहाँ तक है वो डिस्टेंस मेरा क्या, यहाँ से यहाँ तक आर, जिसको कि हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। आर जो है वो मेरा क्या कहलाएगा, फिर से रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर से यहाँ लिख लेना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है ये मेरा क्या है, सेंटर है ना, इसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई रे इस तरीके से पैरेलल आए, तो ये कोई पैरेलल इंसिडेंट रे जो होगा, पैरेलल इंसिडेंट रे, ये पैरेलल इंसिडेंट रे यहाँ से टकराएगा, टकराने के बाद क्या लगता है, इधर अंदर की तरफ आएगा क्या, यहाँ से टकराएगा यहाँ पर। अगर कोई सिंपल सा लाइट को उसी तरह से देखना है कि जैसे कि कोई बॉल है, या छोटा सा गुल्ली वगैरह कंचा होता है ना, या रबड़ का जो बॉल होता है, उसको अगर यहाँ पर ऐसे करके मारे, तो यहाँ मारेंगे तो क्या होगा, क्या लग रहा है, ये उधर भागेगा, छिटकेगा ना, तो ये पैरेलल रे है। इसको कौन सा रे बोलेंगे, पैराएक्सियल रे। इसको नाम क्या देंगे हम लोग, पैराएक्सियल रे है ये। ठीक है, और ये इंसिडेंट रे भी है। अच्छा, तो ऐसे आएगा टकरा के, ये क्या होगा, ऐसे भागेगा। तो जो पैरेलल रे आता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे होता है, टकराने के बाद जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगा वही फोकस होगा ना, तो यहाँ पर तो आएगा ये टकरा करके इधर भाग जाएगा, ये क्या होगा, टकरा करके इधर भाग जाएगा। तो जब ये रे आया तो टकरा करके उधर भाग गया, तो टकरा करके रे ये जैसे आएगा तो आकर के छिटकेगा ना उधर। ये सिंपल इसी तरीके का, इस सरफेस को पहचाना जाए, अगर एक बॉल को ऐसे मारेंगे तो टकरा के क्या होगा, उधर छिटकेगा, तो ये आया टकरा के क्या हुआ, उधर छिटका। ठीक है, तो ये रे जब उधर जा रहा है तो प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे कट करेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस को तो कट नहीं कर सकता है, तो ये रे क्या होगा, ये रे जब इधर जा रहा है तो यहाँ पर का कोई भी आदमी होगा तो उसको क्या दिखेगा कि रे यहाँ मेरे आँख पर आ रहा है, इसका मतलब रे कहीं पीछे से आ रहा होगा ना। इस आदमी का अगर कोई यहाँ पर है जिसके आँख पर ये पड़ेगा, तो उसको तो यही लगेगा कि रे कहाँ से आ रहा होगा, यहीं कहीं इधर से आ रहा होगा, ऐसे ही लगेगा। तो इसका जो फोकस होगा उसको कहाँ एज्यूम करेंगे हम लोग, ऐसे टकराया ये यहाँ पे, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट नहीं कर रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे ऐसे डॉटेड लाइन से बढ़ाना पड़ेगा, और ये फिर जहाँ पर कट करेगा, जहाँ पर कट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस को, जहाँ पर क्या करेगा, कट करेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे डॉटेड लाइन से बढ़ाना पड़ा, ज़बरदस्ती मिलाना पड़ा, यही मेरा क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, ये मेरा क्या कहलाएगा, फोकस ना।
तो याद रखना है कन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है वो मिरर के रिफ्लेक्टिंग फेस के पीछे होता है ना, पीछे। अच्छा, और कनकेव मिरर में सामने में होता था, क्योंकि टकरा करके सामने में ही आकर के मिल जाता था। खैर ठीक है, ये क्या है फोकस। तो यहाँ से यहाँ तक ये मेरा क्या हो गया, फोकल लेंथ। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, और उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फोकल लेंथ बोल सकते हैं ना। इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है इसको क्या बोल सकते हैं, फोकल लेंथ बोल सकते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। बस इसको इतना सा चीज़ सबको ध्यान में रखना है। अब एक छोटा सा सवाल का जवाब दिया जाए कि अगर हम पूछे कि प्लेन मिरर का रेडियस कितना है तो क्या जवाब देंगे, प्लेन मिरर का रेडियस कितना है तो क्या जवाब देंगे। देखा जाए, जैसे ये कन्वेक्स मिरर जो है, इस कन्वेक्स मिरर का रेडियस अगर पूछा जाए तो ये तो रेडियस है मेरा यहाँ से यहाँ तक आर, ये कैसे रेडियस हमको मिला, कैसे रेडियस मिला। ये जो मिरर है, ये मिरर जिस गोला का बना हुआ था उस गोला का जो रेडियस होगा, इस जिस गोले का बना हुआ था उस गोला का जो रेडियस होगा उसी रेडियस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो प्लेन मिरर का अगर पूछ दिया जाए, एक मान लो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हो सकता है कि एक क्वेश्चन, एक छोटा सा देखा जाए, एक क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं यहाँ पर, रेडियस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर, ठीक है। तो प्लेन मिरर का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाए तो प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बताएंगे। देखा जाए, प्लेन मिरर हो, मिरर जो है, देखा जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करते हैं, कि कोई भी मिरर जो है, ये कनकेव हो या फिर क्या कन्वेक्स हो, वो जिस गोला का बना हुआ है, जिस गोला का बना हुआ है, जिस स्फेरिकल मिरर का बना हुआ है, उसका जो रेडियस होगा ना, उसी को हम लोग इस कन्वेक्स मिरर का या फिर कनकेव मिरर का क्या करेंगे, कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। तो प्लेन मिरर के साथ कहानी क्या है, इसको डील करते हैं। प्लेन मिरर क्या होते, हो सकता है एक बहुत बड़े से कोई गोला होगा, बहुत बड़ा, जैसे मान लो पृथ्वी के इतना बड़ा, अर्थ के इतना बड़ा। अगर अर्थ के जितना बड़ा कोई गोला हो, उसमें से हम लोग क्या करें, अगर छोटा सा टुकड़ा ऐसे काट ले, बहुत बड़ा सा टुकड़ा है तो उससे, अगर बड़ा सा मिरर हो उससे अगर हम छोटा सा टुकड़ा काट ले, तो ये देखा जाए ये छोटा सा जो टुकड़ा है ये हमको सीधा नहीं दिखाई देगा, जिस प्रकार की जो अर्थ इतना बड़ा है, तो अर्थ का इतना पूरा अर्थ एक्चुअल में तो गोल है, लेकिन अगर छोटा सा टुकड़ा अर्थ का देखे, एक कट्ठा का जमीन जो है उतना बड़ा सा भी अगर देखे, तो वो हमको क्या लगता है, इकट्ठा जमीन, वो या जमीन हमको क्या लगता है, एकदम पूरा सीधा लगता है कि नहीं, प्लेन मिरर प्लेन जैसा दिखता है कि नहीं। तो अगर बहुत बड़ा इन्फाइनाइट रेडियस वाला बहुत बड़ा सा अगर स्फीयर है, उसका अगर छोटा सा टुकड़ा काटेंगे, तो वो टुकड़ा हमको क्या, इतना बड़ा सा टुकड़ा अगर काटेंगे एक उंगली का, तो नहीं लगता कि वो एकदम सीधा सा दिखेगा हमको। अगर क्या हो, स्फीयर मेरा इन्फाइनाइट रेडियस वाला बहुत बड़ा हो, जैसे कि पृथ्वी उतना बड़ा अगर है, उसमें अगर छोटा सा चीज़ को तुम काटो, तो वो छोटा सा अगर क्या कहते हैं टुकड़ा अगर पृथ्वी का ऐसे काटोगे, तो हमको क्या दिखेगा, सरफेस ऐसा सीधा दिखेगा, प्लेन दिखेगा। तभी तो अर्थ सभी लोगों को क्या दिखता था, लगता था कि वो प्लेन है ना। तो ये जो प्लेन मिरर है, वो एक्चुअल में होता क्या है, कि बहुत बड़ा रेडियस वाला क्या कहते हैं, कोई स्फीयर का ही, स्फेरिकल मिरर का ही एक छोटा सा टुकड़ा काटो, तो यही छोटा सा टुकड़ा हमको क्या लगेगा, एकदम बिल्कुल सीधा लगेगा ना, सीधा एकदम। तो ये प्लेन मिरर जो है, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत बड़े गोले का, यानी कि इन्फाइनाइट रेडियस वाले स्फेरिकल मिरर का ही एक छोटा सा टुकड़ा है। तो जो प्लेन मिरर है उसका रेडियस कितना हो गया, चूँकि वो इन्फाइनाइट रेडियस वाले स्फेरिकल मिरर से बना है, इसलिए उसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, इन्फाइनाइट होगा। तो ये हम लोग ध्यान रखना, फोकल लेंथ तो प्लेन मिरर का इन्फाइनाइट होता ही है, और साथ ही साथ उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इन्फाइनाइट होता है। इन्फाइनाइट का आधा क्या, इन्फाइनाइट ही रहेगा, ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर, तो क्या आंसर देंगे, इन्फाइनाइट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक से कहीं पे भी चीज़, ये चीज़ मिल सकता है, एक काम का चीज़ है बहुत, ठीक है। अच्छा चलो, अब बारी आती है कि क्या, ये सब चीज़ तो हम लोग पढ़े, छोटा सा चीज़ एक और है, फोकस क्या होता है या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उसको चाहे तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। उसका वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ता है,
ठीक है, लेकिन फिर भी हम डिफाइन उसको कर देते हैं क्या चीज़ है वो। हाँ, तो हम लोग पैराक्सियल रेज के बारे में क्या जाने उसको देख लेते हैं जरा। पैराक्सियल रे क्या होता है? वही प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे आता है उसी को पैराक्सियल रे कहते हैं ना। द इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड क्या? पैराक्सियल रे। जो भी इंसिडेंट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल उसी को क्या कहेंगे? पैराक्सियल रे कहेंगे। उसके बाद है फोकस। फोकस में क्या डिफाइन किए कि इट इज़ अ रियल और इमेजिनरी पॉइंट। रियल पॉइंट कब? कनकेव मिरर है तो उसमें आया टकरा करके तो प्रिंसिपल एक्सिस से टकराया तो रियल पॉइंट हुआ। लेकिन इमेजिनरी पॉइंट का मतलब कहने का, क्यों इमेजिनरी वर्ड का इस्तेमाल किए हैं? इसका मतलब ये हुआ कि लाइट यहाँ पर आया, आकर के क्या आते हैं मतलब यहाँ से ऐसे तो टकरा करके चला गया, तो यहाँ आया आकर के टकरा करके उधर चला गया, तो यहाँ पर ये तो इसको कट तो किया नहीं है, लेकिन हमको तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि ये कहीं इसी इधर तरफ से आ रहा होगा, तो जाहिर सी बात है इसको काट करके आ रहा होगा। तो इसलिए एक इमेजिन करेंगे हम लोग इसी के ठीक एकदम सीधा में यहाँ पर, तो एक इमेजिनरी वर्ड का हम लोग इस्तेमाल कर लिए कि इमेजिनरी पॉइंट ऑन द क्या? प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैराक्सियल रे इंटरसेक्ट और अपेयर टू बी इंटरसेक्टेड आफ्टर क्या? रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड फोकस। मतलब कि ये फोकस एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कि ये पैराक्सियल रे जो है टकराने के बाद क्या होता है? रिफ्लेक्ट होगा। जब तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमको क्या लगे कि ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ पर कट कर रहा हो रिफ्लेक्टेड होने के बाद ना ये, या फिर जब कनकेव मिरर था तब क्या हो रहा था? कनकेव मिरर के केस में पैराक्सियल रे ऐसे आया तो ये आने के बाद टकराया, टकरा करके जहाँ पर कट कर दिया वहाँ पर ही मेरा क्या बन जाएगा? फोकस। वहीं पर भी इसमें तो कटेगा ही। प्लेन मिरर के केस में क्या होता? प्लेन मिरर के केस में तो ऐसा होता कहानी ना कि यहाँ से ऐसे सीधा आया, टकरा के क्या होगा? वापस उसी में ही लौट जाएगा। तो वहाँ पर उस कंडीशन में फोकस तो मेरा इन्फाइनाइट पर हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ हो गया। अब उसके बाद बचा रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको भी हम डिफाइन कर देते हैं। तो खैर, लेकिन इसका डिफिनेशन सब ऐसा कोई काम का चीज़ नहीं है, पूरे अगर एग्जाम में कहीं पे नहीं पूछा जाता है, ये है काम का चीज़। बाकी ये सब जो सीखे हम लोग वो सब प्रैक्टिस के पर्पज़ से काम का चीज़ था। ठीक है, तो इसको फटाफट से अब लिख लेना है आगे, इसको यहाँ तक ये कन्वेक्स वाला ये भी कर लेना है, इसको भी कर लेना। अब हम इसके बाद जस्ट लास्ट एक डेफिनेशन दिखा देते हैं, वो कौन सा? रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में, फिर हम लोग का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करेंगे कि जो कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर या फिर प्लेन मिरर जिस स्फेरिकल मिरर से बना हुआ है का टुकड़ा है ना, उस स्फेरिकल मिरर का जो मेरा जो रेडियस होगा उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे ना। इट इज़ द रेडियस ऑफ दैट स्फेरिकल मिरर, ये उस स्फेरिकल मिरर का रेडियस है फ्रॉम विच, यानी कि जिससे क्या किया गया है? कनकेव, कन्वेक्स या फिर प्लेन मिरर को बनाया गया है, यह उस स्फेरिकल मिरर का रेडियस है जिससे कनकेव, कन्वेक्स या फिर प्लेन मिरर को बनाया गया। तो ठीक है, इसको फटाफट से लिख लेना, इसको लिख लेना, ये मेरा क्या चीज़ है? इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, अब बस इसको इतना ही हम लोग रहने देते हैं। तो यहाँ तक मेरा हो गया ये ये इसका ऑप्टिक्स का जो दूसरा क्लास था। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरा क्लास है उसको अगर देखना है तो यहाँ दिख रहा होगा एक, उस पर अगर क्लिक करेंगे एक वीडियो जो है अपना, वो तीसरा वीडियो है, तो उस पर हम लोग चले जाएंगे, उसमें हम लोग जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वगैरह के बारे में। ठीक है, तो अब बस इसको इतना ही रहने दिया जाए।